युवा भाजपा नेता एवं राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के पुत्र गौरव बेदी ने वार्ड नंबर 14 में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। गौरव बेदी ने बताया कि गोगामाड़ी से प्रताप नारंग चौक तक बनने वाली इस सड़क पर लगभग 10,83,000 रुपए की लागत का अनुमान है। इसके अलावा वार्ड नंबर 3 में लगभग 22 लाख, वार्ड नंबर 15 में 5 लाख व वार्ड नंबर 4 में 12 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इससे पहले गौरव बेदी ने नारियल फोड़ कर सड़क का शुभारंभ किया। गौरव बेदी ने कहा कि हल्के के हर गांव में विकास कार्य राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के नेतृत्व में करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न गांवों को आपस में जोड़ने वाली सड़कों का लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिससे गांव में आपस की दूरियां कम होंगी। बेदी ने कहा कि दयाल नगर में अंडरपास, कलसाना गांव में पुल निर्माण, गांव छपरी में पुल निर्माण सहित अनेक कार्य प्रगति पर हैं, जिससे क्षेत्र की कायाकल्प होगी। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में एक विकास की लहर चली हुई है और इसके साथ साथ राज्य मंत्री कृष्ण बेदी जी के नेतृत्व में देश शाहबाद की चौमुखी विकास की तरफ चल रहा है और उस विकास के एक पहल में आज नगर पालिका शाहबाद मारकंडा द्वारा लगभग 10,83,000 रुपये की इस गली के निर्माण के लिए माननीय नगर पालिका द्वारा आज कार्य का शुभारम्भ किया गया है, जिसके तहत ये बहुत ही कम समय में, लगभग 1 महीने के समय में ये बनकर तैयार हो जाएगी और यहाँ के नगर निवासियों को समर्पित की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सबका साथ और सबका विकास, उसकी कड़ी के अंदर एक कार्य जुड़ने के साथ साथ आज यहाँ पर विकास का कार्य उतने ही गति से चल रहा है जितनी गति से आने वाले 4 वर्षों पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा कर इस प्रदेश के अंदर पहली बार सरकार बनाई थी। उसी के तहत हमारे नगर पालिका के प्रधान बलदेवराज चावला जी इन्हीं, इसके अलावा हमारे वार्ड नंबर 3 में विष्णु कपूर जी के सुभाष तक की गली लगभग 23 लाख रुपए की और वार्ड नंबर 15 में लगभग 5 लाख रुपए की गली का आज शुभारंभ किया गया है। इसी के साथ साथ वार्ड नंबर 4 में 12 लाख रुपए का आज एक गली का निर्माण हमने शुरू किया है, जिसके तहत ये बहुत ही कम समय में बनकर इशाबाद के विकास के अंदर एक नए नींव का पत्थर साबित होगी और इशाबाद की प्रगति में इसका एक अहम योगदान होगा। इसी प्रकार से नगर पालिका अपने कार्य को और इस हरियाणा सरकार के विकास के नारे को प्रबल साबित करते हुए यहाँ पर लगातार विकास का कार्य कर रही है।